बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 8th लेक्चर ऑफ यूनिट 1, दैट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इन विच वी डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। गिव द शॉर्ट आंसर्स। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड द फ्री रेडिकल। आयन, आयन इज अ चार्ज स्पीशी फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। आयन हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स। द सेकेंड वन इज फ्री रेडिकल। अ फ्री रेडिकल इज एन एटम विच हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द सेकेंड वन इज फ्री रेडिकल हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आपके पास है फ्री रेडिकल। अब आयन हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, एक चार्ज स्पीशीज हैं जो कैसे बनती हैं, जब आप जो है वो फ्रॉम एन एटम और केमिकल बॉन्डेड और अ ग्रुप ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी भी एटम के जो है वो लास्ट वाले शेल से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो आयन्स बनेंगे। जैसे कि हमने बात की थी, हमारे पास जो है सोडियम है, उसकी लास्ट वाली शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो वो लास्ट वाली शेल से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो कैट आयन बनता है या सोडियम आयन बन रहा था। इसी तरह क्लोरीन है, उसकी लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से जो है वो गेन कर लेते, और रिजल्ट में आपके पास जो है वो एन आयन्स बनाता है, नेगेटिव आयन बना रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आयन्स आ जाते हैं कि उनमें हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फ्री रेडिकल में हमारे पास क्या है, जब किसी भी एटम में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास हाइड्रोजन की हमने बात की है, हाइड्रोजन पे हमारे पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब एक हाइड्रोजन है उसके लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसके लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, जो शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं, कि एक हाइड्रोजन दूसरे के शेल में भी अपने इलेक्ट्रॉन को भी रिवॉल्व करवा रहा होता है और खुद जो है वो दूसरे, मतलब एक जो है आपके पास, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपने शेल में तो करेगा ही, ठीक है, साथ में दूसरे हाइड्रोजन के भी शेल में रिवॉल्व करेगा। इसी तरह जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन अपने शेल में भी रिवॉल्व करेगा और साथ में इसमें भी, यानी कि इनके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे। तो जब इनकी ब्रेकेज हो जाएगी, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। जैसे आपके पास ये इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास अनपेयर्ड होते हैं, जैसे कि कोई भी एटम इसके लास्ट वाले शेल में या 1 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ द मैटर। एज एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एपिडोकल्स थॉट दैट ऑल मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। द फर्स्ट वन इज अर्थ, एयर, वाटर, फायर। प्लेटो एडॉप्ट एपिडोकल्स थ्योरी एंड कॉइन्स द टर्म एलिमेंट्स टू डिस्क्राइब दीज 4 सब्सटेंसेस। हिज सक्सेसर एरिस्टोटल आल्सो अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज हॉट वर्सेज कोल्ड एंड वेट वर्सेज ड्राई। फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग क्ले इन एन ओवन could be thrown off as driving of water and adding fire, transforming clay into a pot. Similarly, water cold and wet falls from the sky as rain when air hot and wet cools down. The Greek concept of 4 elements existed for more than 2000 years. इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें जो है वो डिफरेंट थ्योरीज दी थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स या ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। अब हमने क्या कहा था, एलिमेंट क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। या फिर हमारे पास 4 थिंग्स एलिमेंट्स में आ गई थी, जो कि द फर्स्ट वन इज अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें आ जाती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे हमारे पास जो मैटर है या जो केमिकल है उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनकी क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी,
और हम जो है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड देयर एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने ये कहा कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में वर्क का हो रहा होता है, उसमें से डिफरेंट केमिकल्स या आपके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हैं, वो जो है इंडस्ट्री से जो है एज अ इन द फॉर्म ऑफ स्मोक बाहर आ रही होती है, ठीक है, तो उनमें वो आपके पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है, और इनका जो है ह्यूमन बींग्स पे एडवर्स अफेक्ट जो है वो हो सकता है, या जैसे अब वो सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ जो है वो ये जो है वो क्या करेगी, कंबाइन करके रिजल्ट में एसिडिक रेन प्रोड्यूस करेगी जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है और भी हाँ भी ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ मोल, वट इज़ मोल, मोल कैन बी डिफाइन एज अटोमिक मैसेज, मोलिकुलर मैसेज एंड द फार्मूला मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल दे आर एग्जैक्टली टू हाइड्रोजन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम इन ईच मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड, देयर फॉर द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ H2O2 इज HO, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन इज 1:1। द सेकेंड एग्जाम्पल द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 इज CH2O एंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 इज CH। द नेक्स्ट वन इज मोलिकुलर फार्मूला, द मोलिकुलर फार्मूला गिव द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन परोक्साइड द एक्चुअल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम इज 2:2, सो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड इज H2O2। द सेकेंड एग्जाम्पल द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला हम क्या कहते हैं, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जो आपके पास एलिमेंट है उनमें जो एटम्स आपके पास प्रेजेंट हैं, पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो क्या जो है वो कौन सा एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है या आपके पास कौन सा जो है वो केमिकल फार्मूला आ गया, ठीक है, फिर हम देखते हैं उसमें एटम्स कौन कौन से हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन परोक्साइड, हमने इसको सिंप्लीफाई किया किसी भी टेबल के साथ, तो 2 1s 2 2 1s हमने कट करके आपके पास आ गया HO, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आ गई 1:1, यानी कि यहाँ पे 2 1s 2 2 1s 2 1:1 आ गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज आ गया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया 1 आ गया, ये आपके पास ये 2 के हमने टेबल 6 1 6 6 2 12, ठीक है, ये 2 आ गया यहाँ पे 1 और ये भी 1, तो हमने सिंप्लीफाई इसको कर लिया CH2O। इस तरह बेंजीन है C6H6, तो आपके पास CH इसकी सिंपल रेशियो आ गई यानी कि 1:1, जबकि मोलिकुलर फार्मूला में हम उसको एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन पारोक्साइड जो कि यहाँ पे H2O2 था, ठीक है, सिंप्लीफाई में हमने एक्चुअल फॉर्म में लिखा 2:2। इस तरह हमारे पास जो ग्लूकोज है वो भी क्या आ जाएगा, सिंपली जो आपके पास आ जाएगा 6:12:6। इसी तरह बेंजीन भी आपके पास जबकि यहाँ पे था 1:1 यानी कि CH, यहाँ पे आपके पास एज इट इज ही रहेगा 6:6, ठीक है। हमने इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखा जबकि इसमें हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्ट्रीम, हमने क्या फाइंड आउट करना है हमने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, और हमारे पास जो है मास गिवन है किसका, स्ट्रीम का, मास इन ग्राम ऑफ स्ट्रीम दैट इज़ वाटर, वाटर की हम यहाँ पे बात करें जो कि 9.0 ग्राम है, मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है। किस तरह से, हाइड्रोजन होता है जी हमारे पास 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है जी 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.02 × 10²³, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, हमने फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है, हमने फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आके जी नंबर ऑफ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, सो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब हमने इनको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
आगे हमने इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने है ना। नंबर ऑफ मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस आपके पास क्या है जी, जो कि आपके पास गिवन है। मोलर मैस कितना है जी, 18, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, और उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.02 × 10⁻²³। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स करेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्टीम के कितने आ गए जी, 3.011 × 10⁻²³ मोलिक्यूल्स। द सेकेंड नेक्स्ट वन इज वट आर द मोलर मैस ऑफ यूरेनियम, 235। मोलर मैस ऑफ यूरेनियम इज -238 ग्राम एंड द मोलर मैस ऑफ यूरेनियम -235 इज 235 ग्राम। आगे है जी वाइफ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव डिफरेंट मैसेस। तो हमारे पास क्या चाहिए, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन टू हाइड्रोजन एटम, सो इट मैस विल बी 2 ग्राम। किस तरह से, अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन का सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक मैस है जी 1, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2, तो हमने 2 ग्राम आ गया। इसी तरह वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जब बात हो रही है तो वो आपके पास 1 ग्राम है, तो दोनों के मैसेज डिफरेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास 2 ग्राम है और हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है वो आपके पास है जी 1 ग्राम। द मोलिक्यूल मैस ऑफ हाइड्रोजन इज ट्विस्ट टू एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, सो मैस ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइंस। अब आइन आपके पास क्या, आइन इज अ चार्ज स्पीशी फॉर्म एन एटम और केमिकली बॉन्डेड। ये हम अभी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो आइंस बनते हैं। द नेक्स्ट वन इज मोलिकुलर आइन, वेन अ मोलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन द रिजल्टिंग स्पीशी इज कॉल्ड मोलिक्यूलर आइन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सॉरी फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड आइन, वेन लॉस वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म ऑक्साइड आइन एंड वेन गेन वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म O2 नेगेटिव आइन, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इज एन एटम विच इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वी नो इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एटॉमिक मैस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, देयर इज ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं जी एटॉमिक नंबर। जैसे कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है जी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर एंड देयर आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में किसी भी एटम के। यहाँ पे हमने हीलियम की एग्जांपल दी, हीलियम का मैस नंबर हमारे पास होता है जी 4, तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, क्योंकि हमारे पास हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है, तो 2 आपके पास जो रह गए वो आपके आपने लिखे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट इज डिफाइंड एज मैस एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मैस ऑफ 1 कार्बन 12, 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। एटॉमिक मैस यूनिट हमारे पास जो है एटम्स को मैस करने का यूनिट है, जिसको हम AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। आयन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, और एटम हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन
not exist in free state is called atom. Atom is electrically neutral, for example hydrogen, oxygen and nitrogen. Next word पर आ जाता है जी molecular and free radical. ये हम जो है वो अभी टू टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर. डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रोस डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था एवोगैड्रोस क्या है. द नंबर ऑफ पार्टिकल इज वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज एवोगैड्रोस नंबर. और इसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज 6.022×10^23 और हमने इसको रिप्रेजेंट किया था NaA से. यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, मोल इज ओनली अ नंबर बट आल्सो रिप्रेजेंट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जस्ट एज 6.022×10^23 कार्बन एटम वे 12 ग्राम, 6.022×10^23 कॉइंस विल हैव अ डेफिनेट मास. सो एन इजी वे इज टू वे देम. If you count the mass of one coin, you can count them by weighing. For instance, hydrogen exists as hydrogen molecule. So one mole of hydrogen contains 6.022×10^23 molecule. जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उनको फाइंड आउट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है. ठीक है, इस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमारे लिए फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है. इसी तरह हमारे पास कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास जो है कोई भी फार्मूला यूनिट को फाइंड आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है. ठीक है, तो हमने उसके लिए एवोगैड्रोस ने हमें एक नंबर दिया था 6.022×10^23. उसने कहा था ये हमारे पास वन मोल के इक्वल है, जैसे वन डजन हमारे पास 12 बनानास के इक्वल हैं. और इसी तरह हमारे पास 6.022×10^23 हमारे पास वन मोल के इक्वल है. ठीक है, तो उसको अब वे करना हमारे लिए क्या था, इजी था. तो इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हमें किसी एक का जो है मैस पता हो तो हम दूसरों को जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमें जैसे यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास जो है वो 12 यानी कि 6.022×10^23 कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम. ठीक है, तो हम जो है इस तरह बाकियों को जो है, या फिर हमने कॉइन के लिहाज अगर हम बात करें तो अगर हमें एक जो है कॉइन का मैस पता है तो हम जो है वो बाकियों को जो है उससे वे कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, और मैस हमारे पास गिवन है 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि ग्राम में हमारे पास क्या है मैस है और वो किसके है, हीलियम का, जो कि हमें गिवन है. मोलर मैस हमने हीलियम का फाइंड आउट कर लिया जो कि पीरियोडिक टेबल में है जी 4 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, हमने फार्मूला पुट किया नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. ठीक है, अब मैस हमारे पास क्या 2.4 ग्राम, मोलर मैस है 4 ग्राम और हमने जो कैलकुलेशन की इनकी डिवीजन की तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम दैट इज 0.6 मोल्स. ठीक है, द सेकेंड वन इज 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन. सबसे पहले हमने हमारे पास ये जो है मैस इन ग्राम ऑफ कार्बन 250 मिलीग्राम, हमने सबसे पहले इसको ग्राम में करना है तो किस तरह से करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आ गया 0.25. मोलर मैस कार्बन का होता है जी 12, क्योंकि एटॉमिक मैस होता है 6, वो मोलर मैस यानी कि एटॉमिक मैस की बात हो रही है वो कितना है जी 12 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. ये आपने यहाँ से जो हमने ऊपर मैस फाइंड आउट किया था और मोलर मैस हमने इनकी डिवीजन की तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए. नेक्स्ट हमारे पास आता है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, मैस हमें पता है मोलर मैस सोडियम होता है जी 23, क्लोरीन होता है 35.5, दोनों का सम किया दैट इज इक्वल टू 58.5. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. 15 हमारे पास है जी मैस और 58.5 हमारे पास है मोलर मैस और दैट इज इक्वल टू 0.25. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 40 ग्राम ऑफ सल्फर. हमारे पास मैस हमें पता है मोलर मैस सल्फर को होता है 32. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करनी है, हमने फार्मूला पुट किया नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. मैस हमारे पास कितना है 40, मोलर मैस हमारे पास है जी 32. हमने डिवीजन की, हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर दैट इज 1.25 मोल्स. ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है जी 1.5 किलोग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैस हमारे पास जो है
किलोग्राम में गिवन है, दैट इज़ 1.5। हमने इसको ग्राम में करने के लिए मल्टीप्लाई किया जी 1000 से। हमने जब मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000, जब हम किलोग्राम को जो है वो ग्राम में करेंगे तो मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। उसके बाद मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, दोनों को सम किया आंसर आ गया 40। नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, जो कि कितना है जी हमारे पास मास इन ग्राम 1500 आया, उसके बाद मोलर मास हमारे पास 40 ग्राम आया और हमारे पास आंसर आ गया 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये तो हमने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डिसाइड वेदर और नॉट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। द फर्स्ट वन इज Al2Cl6, ये हमारे पास के जी के ये हमारे पास जो है मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, दैट इज द एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज Hg2Cl2, ये भी हमारे पास जो है वो मोलिकुलर फार्मूला है। NaCl हमारे पास इंपेरिकल और मोलिकुलर दोनों में है, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1:1 आएगा और हम इसको जो है वो मोलिकुलर फॉर्म में लिखेंगे तो भी 1:1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, वो भी मोलिकुलर फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड यूज इन बॉम्ब्स। इट कंटेन 7 कार्बन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम एंड 3 नाइट्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम। राइट इट्स इंपेरिकल फार्मूला। हमने इसके इंपेरिकल फार्मूला लिखना है जी। द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ TNT इज C7H5N3O6, ठीक है। हम मजीद इसको सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, अ मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 फॉस्फोरस एटम एंड 10 ऑक्सीजन एटम। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड एंड आल्सो डिटरमिन द मोलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल। यानी कि फॉस्फोर जो आपके पास है, जो उन्होंने दिया आपके पास फॉस्फोरस, वो कह रहे हैं कि 4 एटम्स हैं और 10 ऑक्सीजन एटम हैं। जो मॉलिक्यूल उन्होंने दिया है, हमने इसका मोलर मास भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट हमने एम्पेरिकल फार्मूला इसका लिखा P4O10, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास P2O5 आ गया। मोलर मास हम फाइंड आउट करते हैं जी किस तरह से। फॉस्फोरस का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 31, फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं मल्टीप्लाई 4 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 16 होता है और कितने एटम्स हैं 10, और हमने इन दोनों की डिवीजन कर सॉरी मल्टीप्लीकेशन कर ली 31 मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ 124 प्लस और 16 मल्टीप्लाई 10, दैट इज़ 160। हमने इनकी जो है वो हमने इनको सम किया तो आंसर आ गया जी द मोलर मास ऑफ P4O10 दैट इज़ 284 AMU, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडिको द डाई यूज्ड टू कलर ब्लू जीन्स इज ड्राइव फ्रॉम अ कंपाउंड नोन एज इंडोक्सल। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दीज कंपाउंड एंड आल्सो राइट देयर इंपेरिकल फार्मूला। सबसे पहले उन्होंने हमें जो है वो दिया हुआ, हमने इनका क्या करना है जी, हमने इनके मोलर मैसेज भी फाइंड आउट करने हैं और हमने इनके इंपेरिकल फार्मूला भी लिखना है। द फर्स्ट वन इज हमने पहले क्या किया हुआ जी, हमने इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखे। मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास है जी, हमने एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं C16H10 एंड N2O2। इम्पेरिकल फार्मूला हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, पहले हमने लिखा 16:10:2:2, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया जी 8:5:1:1, दैट इज C8H5N and O। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इंडोक्सल दैट इज C8H7OH। इम्पेरिकल फार्मूला दैट इज 8:7:1:1, ठीक है। और हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करते तो हम कर सकते तो हम इसको लिख रहे हैं C8H7O1। मोलर मास हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्या आ रहा है जी, मोलर मास हमारे पास आ रहा है, द फर्स्ट वन इज कार्बन हमारे पास होता है जी, इसका अटोमिक मास कार्बन का अटोमिक मास होता है जी 12, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास 16, इसके हमारे पास 16 एटम्स हैं प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2। हमने इनकी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया जी मोलर मास 262। सेकंड हमारे पास आ रहा है जी,
हमारे पास C जितना इस 12 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 7, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो उसके बाद हाइड्रोजन भी 1 मल्टीप्लाई 1, हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 133 ग्राम. द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज फार्मूला मास ऑफ 133.5 mg. हमने वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसका फार्मूला मास हमारे पास 133.5 R है. फर्स्ट फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होता है 24, क्लोरीन होता है 35.5, क्लोरीन इसके 2 एटम है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 95 mu. नेक्स्ट हमारे पास H2Cl2 है, सल्फर हमारे पास 32 है और नंबर ऑफ एटम्स इसके 2 हैं, ठीक है. प्लस क्लोरीन कितने 35.5, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जी 2, हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 135. थर्ड हमारे पास है जी BCl3, अच्छा जी बोरो, हमारे पास B जो है बेरियम या बोरोन है, ये हमारे पास 10 है, ठीक है. उसके बाद क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई 3, अब हमारे पास हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो 116.5. द लास्ट वन इज AlCl3, एल्यूमिनियम हमारे पास होता है जी 27, क्लोरीन 35.5, इसके 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 133.5 आया. तो हमारे पास होता है AlCl3 एज अ फार्मूला मास इज 133.5. तो हमारे पास जो सब्सटेंस आए वो कौन से, AlCl3, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमने कैलकुलेट करने हैं जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल, ठीक है. द फर्स्ट वन इज 3.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम. हमारे पास क्या गिवन है जी, हमारे पास गिवन है जी मोल्स गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है जी मोल्स, ठीक है. और नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने और एवोगैड्रो नंबर हमने जो है वो हमें पता है, ठीक है. सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स हमने फार्मूला पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है. और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन दैट इज 3.4, एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आ गए, ठीक है. उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो है वो सोडियम का मास गिवन है, दैट इज 23 ग्राम, ठीक है. एवोगैड्रोज नंबर हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करनी है, मोलर मास जो है सोडियम का कितना जी 23 ग्राम, ठीक है. अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, मास कितने हमारे पास, मास ओवर मोलर मास, मास हमारे पास 23 है, मोलर मास भी हमारे पास 23 है, और हमने इनकी डिवीजन की तो आपके पास आ गया जी 1 मोल, ठीक है. उसके बाद हमने फार्मूले में पुट किए, फार्मूला के नंबर ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 आया, एवोगैड्रोज नंबर हमें पता है, और हमने दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम. द थर्ड वन हमारे पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब मास हमारे पास कितना है जी 5 ग्राम, मोलर मास हमारे पास हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है. एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स भी हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के मास ओवर मोलर मास, मास 5 ग्राम है और मोलर मास 1 है, तो 5 मोल्स आंसर आया. नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने अभी फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने अभी फाइंड आउट किए हैं वो वाले हमने पुट किए, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 × 10⁻²³, दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आ गया,